अल्लाह मजीद बरकतों का नसीब फरमाए। फिर कुट्टी ले जे हो गया। अली का जिक्र और हुसैन का जिक्र अब मैं करूँगा, लेकिन नारे हैदरी बोलो, नारे हैदरी। अली ये सबक के तौर पे जो मैं बात करता हूँ या वाक्या या हदीस पढ़ता हूँ, ये सबक के तौर पे तलबे लोग बन के सुनाता हूँ, तो ये होता है, एक नीयत होती है कि शायद इन में से कोई एक सुनकर, सौ में से कोई एक भी अमल करे तो सबकी बिगड़ी बन जाए। अली की क्या बात है और अली के बेटों की क्या बात है और हसनैन करीमैन के नाना की क्या बात है। अली नारा मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं, लेकिन अली की वो शान किस किस तरह हम बयान करें कि वो अली जिसकी एक नमाज रह जाए तो वो रोए। सोचनी ये है ना कि ये सबक के तौर पे कि मैं और आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, मैं और आप कितनी हिसाबो किताब में रहते हैं। अली एक नमाज असर जिसके लिए कुरान में भी आया है कि इसका खास ख्याल रखा जाए। तेरी मेरी हजारों रह जाएं, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, तेरी मेरी हजारों रह जाए, ना फजर ना जोर ना असर ना मगरब, लेकिन सबक की बात दे के जा रहा हूँ। अली पे मुश्किल वक्त है तो नमाज का दामन नहीं छोड़ा। ओ मेरे नबी के गुलामों, जब अली पे मुश्किल वक्त है तो नमाज का दामन ना छोड़े, तो अली के बेटों पे मुश्किल वक्त है तो फिर भी सजदे पे सर हो। अली और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम साथ थे, नमाज असर था, मेरे करीम आका थकावट की वजह से आपकी गोद अली की और चेहरे मुस्तफ़ा अली की गोद में, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आंख लगी। था वक्त नमाज असर का, जा रहा था लेकिन तेरी और मेरी आंखों में आंसू ना आए, लोगों के दिल में और आप दुखाएं, लोगों के घर तू और मैं वीरान करें, मोहल्ले कूचे में तू और मैं अफरा तफरी मचाएं, लेकिन सुन, अली फरमाते हैं, हुजूर मेरी गोद में आराम फरमा रहे थे, नमाज असर था, वक्त बिल्कुल सूरज गुरूब हो रहा था, अली की आंखों में आंसू आ गए। कहे ना यार सुभान अल्लाह, अली की आंखों में आंसू आए, चेहरे मुस्तफा पे पड़े, करीम आका की आंख खुली, पूछा अली बता तुझे किस चीज ने रुलाया, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, नमाज असर है, सूरज गुरूब हो रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है और हुजूर वहां मौजूद हों, अली मौजूद हों, मोहब्बत वाले वहां मौजूद हों, तो फिर किस चीज की कमी थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये बात कही, मेरे करीम आका ने फरमाया अली बता इस नमाज को अदा करना चाहता है या कजा करना चाहता है। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह आप मौजूद हैं तो इसको मैं कजा कैसे इसको अदा करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, तेरे मेरे नबी ने ऐसे शहादत की उंगली का इशारा फरमाया ना, डूबा हुआ सूरज वापस किया और अली ने नमाज असर अदा फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, और सही अली दे जोर लाओ, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावा देता हूं जनाब ओवैस भाइयों को कि वो आएं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदीय नात पेश करें।